कभी छा की थैली मंगा के छा पी ले, कभी छा की थैली मंगा के छा पी ले, कभी गन्ना जूस पी ले, तो मैं तो लड़ांगा, तो मैं तो लड़ांगा, तो मैं तो लड़ांगा। से हमारी नए कप्तान आए हैं, पूरे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ गई। ऋतिक बॉक्सर है जिसकी वाई वाई लूट रहे हैं उसको। एसपी ऑफिस हनुमानगढ़ रे आगे लगा दियो है स्थाई धरनो। लोगों की मांग आई है कि दौलीपाल गांव के मां जी की घटना होड़ी है और प्रभावशाली लोगों ने गिरफ्तार, पुलिस करे कोनी माने गिरफ्तार करो और धरनो जिको जत्ती गिरफ्तारी कोनी होवे जत्ती है अठों नहीं उठावेला। इं तरह की बातें अट धरना स्थल पर कह लाग रहा है। चलो थाने सुनावा रघुवीर वर्मा ई मौके पर के कह लाग रहा है और के मांगो आगे प्लान है तो सुनियो। 3 जून ने दौलीपाल गांव में जगह बदमाश प्रवृत्ति का तस्कर है, अफीम गो चिट्टे को कारोबार करे, वहां लोग एक दलित परिवार के घर पर हमला करो, गोलियां चलाई, पत्थर चलाया और बिंगो मुकदमा भी दर्ज हुए, आते ही कोई कार्रवाई करनी हुई। और आज दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है कि 3 जून और आज 19 हो गई, 16 दिन है और पुलिस का जिका ठगा एसपी साहब है एक ही बात रट पकड़ रखी है, कोई घटना हो जाए कभी टीम बना रखी है। अखबार में आयो कि दौलीपाल की जो फायरिंग हुई है, घटना हुई है, उसके लिए 3 टीमें बनाई गई है और मुलजिमों को 24 घंटे में पकड़ लेंगे। हाँ, 16 दिन हो गया थी, पकड़ी जाए कोनी। बलौल नगर सेजीपुरा करनी सर फतेहगढ़ 32 SSW के गुरुद्वारा में गुरु घर में चोरी हुए, 200-300 लोग इकट्ठा आवे, एसपी साहब का एक बयान आवे, बड़ो अच्छो बयान आवे और बिंग अंदर कह जी मैं 4 टीमां बना दिया और जल्दी जल्दी 48 घंटे में मुलजिमाना पकड़ लेंगा, 2 दिन को माने टाइम दियो। चलो साहब, गोलू वाला में सुखमणि गुटका को अपमान हुआ, बेअदबी हुआ, पुलिस फिर टीमा मनावे, अखबार में आवा जकी बताओ साहब और के अभी मैं 5 दिन में पकड़ लेंगा। और अभी परसों जंक्शन धान मंडी में 6 दुकानों की चोरी हुई, चोरी होने के बाद में आज के अखबार में बयान आडो है साहब, एसपी साहब को, सीआई साहब को बयान किया है कि 3 टीमें मना रखी हैं और चोरों को ट्रेस कर लिया है, 24 घंटे में चोरी का खुलासा कर देंगे। ये रटा रटाया बयान तैयार करके रख है, आंते ही पत्रकारों ने बता दिए, आंते ही लोगों ने बता दिए, लोग बेचारा ये गर्मी में चुपचाप आवा चुपचाप उठ जाए, बहुत ही खतरनाक स्थिति बन रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बन रही है। ये जिला मुख्यालय के ऊपर इस तरह चोरियां, गोलीबारी, गुरुद्वारा में चोरी, मिंद्रा में चोरी, दुकाना में चोरियां, मोटरसाइकिल चोरी और अपमान पर अपमान एक विशेष समाज को, और कोई कार्रवाई नहीं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी एक वाल्मीकि समाज की बच्ची है 14 साल की, गायब हुए ना 17 दिन हो गया, कोई कार्रवाई को नहीं, इंतजार करे पुलिस की, कब धरना लागे फिर मैं मुलजिमा ना लिया। अब तो धरनाओं कोई खौफ कोनी, आने का बैठे गर्मी माफी भाज जा सीजन है मारो के लिए है। बड़ा पीसा ले ला रहे है, पहला एसपी साहब पर अफीम का पौधा और वाटर पार्क करे, सरपंच अफीम कांड पता नहीं कितना कांड करके गया, बाद में क्या साहब बात तो नहीं, बहुत ही ठगी करी है। अब आ रहे है कई दिन बाद में उड़जी दान खतर के सी, लेकिन हनुमानगढ़ की जनता ने के मिल ला रही है, हनुमानगढ़ का लोग परेशान हो रहे हैं। चुनाव का टाइम है, हमारा विधायक जी का बहुत बढ़िया साहब, बड़ो विकास हो गयो, सब लोग राजी है, कौन राजी है, रोजन धरना लग ला रहे, अभी उठा लग ला रहे, कितना लोग राजी है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है साहब, मैं लड़ांगा जीत है मुलजिम गिरफ्तार नहीं बुद्धि कोई सही हो जाए, गर्मी के अंदर कोई ठंडी हवा लेके कोई दिमाग में आ जाए भी आपने मुलजिमान पकड़नो है, सारा दिन एसी नीचे बैठ के कभी छा की थैली मंगा के छा पी ले, कभी गन्ना जूस पी ले,
कभी वो एक और आज कम ठंडी है और करके नाम है बिंगा तू सारा दिन जूस डाल ला रहे है काम तो की कर कौन ला रहे तो मैं तो लड़ांगा काम करना सिखाऊंगा ताकि पुलिस ने काम किया हुआ है। रघुवीर वर्मा आई कहवा है कि पुलिस 3 जून की घटना है और 19 जून आज होगी है तो भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और मैं धरनो अठस्थाई लगा दी है जत्ती में उठा कोनी जत्ती गिरफ्तारियां 10 जना की होवा कोनी। चलो थाने और सुनावा शेर सिंह शक है ई वक्त पर के कहन लाग रहा है। सवाल आज का नहीं है, हम लंबे समय से देख रहे हैं कि ये 3 जून को धोड़ीपाल गांव के लड़कों के साथ कुछ बदमाश लोगों ने घर में मारपीट की, दलित परिवार था और वहां फायरिंग भी हुई, गोलियां चली, मौके पे पुलिस भी पहुंची, वाहन भी जब्त किए, नामजद FIR दर्ज हुई है और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार हमने 4-5 दिन से सदर थाने के आगे भी धरना लगाया, अधिकारियों से भी बात हुई, लेकिन नतीजा नहीं आ रहा, क्योंकि कारण ये है कि जो कांड करने वाले लोग थे वो बड़े राजनीतिक अप्रोच वाले लोग हैं, बड़े बदमाश हैं और उनको बड़ा संरक्षण है राजनीतिक तौर पर, इसीलिए पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही। अगर कोई आम आदमी होता, गरीब होता, तो अब तक पुलिस उसको उठाकर और जेल में डाल देती। इसी बात को लेकर हम यहाँ आज बैठे हैं। उसके अलावा भी जो जिले की जो हालत बनी हुई है, जब से हमारे ये नए कप्तान आए हैं, पूरे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ गई, चाहे वो बच्चियों के मामले हैं, चाहे वो चोरियों के मामले हैं, चाहे वो डकैती के मामले हैं, इतने बढ़ गए। और एक यहाँ जो ऋतिक बॉक्सर है जिसकी वाई लूट रहे हैं, उसको नेपाल से पकड़ कर लाए, उसको सारा यहाँ पे ला के रख रखा है, कभी इस थाने वाले ले जाते हैं, कभी पूरा अमला ही उसी के पीछे लगा हुआ है, जबकि कोई आनी जानी नहीं है उसमें। और जो पूरा ये हो रहा है, अभी हमारे जंक्शन के धान मंडी में व्यापारियों की बड़ी चोरियां हुई हैं, तो ये सारी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कि बिल्कुल प्रशासन नाकाम है और कांग्रेस की सरकार बिल्कुल नकारा साबित हुई है, इसी को लेकर जनता के सहयोग से पीड़ित परिवार को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक वो कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक ये लगातार धरना, हमारा संघर्ष यहाँ जारी रहेगा। धरना स्थल पर बैठा लोग आई पुलिस पर आरोप लगायो कि हनुमानगढ़ जिले के माँ रोज चोरियाँ हो रही है, रोज बेअदबी हो रही है और रोज लूट पाट हो रही है और रोजाना ही इन तरह की मारपीट की घटना होने लग रही है, फिर भी पुलिस है जी की राजनीतिक दबाव में रवे और सही न सही को नहीं कवे, गलत न सही करने रो कोशिश करे, इन तरह आरोप आज अठ लग गया। अब देखा गिरफ्तारी कद होवे और कद आ धरनो अट समाप्त होगा तो देखने वाली बात होवेली। गुरदेव सिंह सैणी रो सगड़ा ने राम राम।